अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट क्लास, हियर वी आर विद एन अदर सेक्शन ऑफ रीडिंग फॉर द टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन, इससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या शायद बहुत डिटेल से मत नहीं पढ़ा होगा, बट यू हैव डेफिनेटली केम अक्रॉस विद द टर्म फर्टिलाइजेशन एंड यू वेरी वेल नो इट्स वर्डली मीनिंग्स। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ एनीथिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट तो हम बोलेंगे क्रिएशन ऑफ प्लांट बाय द मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ प्लांट सेल। बाय द फीमेल मेल एंड फीमेल पार्ट इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बेसिकली इट इज स्ट्रिक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ऑलराइट, so let's start our reading, but before start our reading I want you to examine this diagram aur ye aapko help karegi is reading ko samajhne mein. So as you know, this is the picture of a plant and these are its inner and inside part, you may say. तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली वन बाय वन, सो लेट्स से दिस इज़ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज़ बेसिकली द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, और ये आपको एक पॉइंट आउट कर रहा है स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा? पोलन एंटर फ्रॉम द स्टिग्मा, ठीक है, इसको पोलन एंटर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड देन इट कम्स टू द पिस्टल और ओव्यूल, यू में से। सेकेंड आपका पार्ट है स्टैमन। स्टैमन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, टू अनदर पार्ट्स। वन इज एंसर। एंसर जो है कंटेन करता है पोलन्स पे। एलन एंथर कंटेन्स पोलन एंड देन द फिलामेंट, इट्स अनदर पार्ट। फिर है पोलन ट्यूब, दिस इज़ कॉल्ड द पोलन ट्यूब। ये वो ट्यूब है जो कि पोलन ग्रेन्स को हेल्प करती है ट्रांसफ़र करना, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती है थ्रू ओव्यूल। एंड ओव्यूल इज़ द फीमेल पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड ओव्यूल एंड द ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर यू कैन सी इज़ द ओवरी वॉल। सो ऑलराइट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस फिगर। इसको आपको याद भी करना है, मेक श्योर। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन हमेशा होती है पोलिनेशन के बाद। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर टू द स्टिग्मा पोलन ग्रेन का, पोलन का ट्रांसफ़र इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, जैसे कि वो टर्म में भी पोलिनेशन आ रहा है तो डेफिनेटली इट कंटेन्स विद द पोलन्स। सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स कैरिड बाय द विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बैट में रीच अ कार्पल एंड स्टिक टू द राइप स्टिग्मा। ये राइप यानी कि पके हुए स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन्स, पोलन्स जो हैं वो आके चिपक जाते हैं और ये कैरी किए जाते हैं विंड से, इंसेक्ट से, बर्ड से या बैट से। ईच पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस अ टिनी ट्यूब विच ग्रोज डाउन द स्टाइल। ये हर पोलन ग्रेन एक ट्यूब पैदा करता है जो कि स्टाइल विच ग्रोज डाउन द स्टाइल, जो कि स्टाइल को बढ़ाती है। इनटू द ओवरी, ओवरी तक, एंड टूवर्ड्स द ओव्यूल और एग सेल्स, और एग सेल्स या ओव्यूल तक। When one of the tube reaches an ovule, जब एक ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचती है, this is ovule, जब ये ओव्यूल तक पहुँचती है, it burst open, तो ये खुल जाती है। A male nucleus from the pollen grain then moves down the pollen tube to join with the nucleus of female sex cell. Then pollen grains जो है इस pollen tube से transfer करते हुए ovule तक पहुँचता है और where already and join the nucleus female cell. The ovule, when the nuclei of the pollen grains, जब पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियाई एंड ओव्यूल्स और ओव्यूल के न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होते हैं, द ओव्यूल्स आर कॉल्ड टू बी फर्टिलाइज। तो इस वक्त इस ओव्यूल को हम कंसीडर करते हैं इन अ फर्टिलाइज फॉर्म। एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्लांट। सो बेसिकली व्हाट दिस पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से दैट द पोलन ग्रेन इट्स ट्रांसफर फ्रॉम द पोलन ट्यूब टू द ओव्यूल एंड द ओव्यूल जिसमें ऑलरेडी एग सेल्स होते हैं, व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर सो दे फॉर्म अ न्यू प्लांट। ऑलराइट, एंड द ओव्यू वॉल एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल। सो ये आपको इसको पढ़ना है, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील और ना ही इतना टफ है। आप इसको एक से दो बार सुनेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट दिस टॉपिक फर्टिलाइजेशन सेज। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।